हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी इलेक्ट्रिकल में। आज हम आपको बताएंगे 30 kV अल्टरनेटर के बारे में जो हम फिट कर रहे हैं। इसकी स्टेटर हमने रिवाइंडिंग की है, इसको अच्छे से हम फिट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छे से हम टाइट कर देंगे, देखिए हमने टाइट कर दिया है। उसके अच्छे से हम कनेक्शन करेंगे, देखिए उसके ट्रांसफार्मर को हम लगाएंगे, बूस्टर को अच्छे से हम इसको फिट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। अच्छे से हम लगाएंगे। इसमें देखिए 6 वायर निकले हैं, एक साइड में देखिए हमने चौके साइड में 3 टर्मिनल में हमने फंसा दिया है वायर को, एक साइड में हमने 3 को फंसा दिया है जिसमें हम आउटपुट करंट निकालेंगे। और देखिए जो हम फंसा रहे हैं ट्रांसफार्मर को फिट कर रहे हैं उस पर, इसको अच्छे से फिट करके हम टाइट करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। इसमें जो चोक लगा हुआ है इसमें से पतला वायर है, 3 पतला वायर बाहर निकला हुआ है जिसमें हम ये 3 वायर ज्वाइंट करेंगे, जो ब्लैक वाली हमने निकाली है जो कि इस ट्रांसफार्मर से होकर डाइबोर्ड में जाएगा, डाइबोर्ड प्लेट में जो 5 खुटी का डाइबोर्ड लगता है। देखिए हम फंसाएंगे इसमें, आर्मेचर का वायर कसा हुआ है, इसको हम अच्छे से लगाएंगे। ये 3 फेस का है जो हम लगा रहे हैं, देखिए हमने लगा कंप्लीट कर दिया है। अब इसको अच्छे से हम टाइट करेंगे। इसमें ट्रांसफार्मर का 3 वायर है मोटा वाला, और जो टर्मिनल से होके न्यूटन में आता है, देखिए हम टाइट कर रहे हैं, ये न्यूटन है। अच्छे से टाइट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए वायर को हम सीधी कर लेंगे और इसमें सिलो लगाएंगे, 3 साइड में हम 3 वायर ज्वाइंट कर देंगे अच्छी तरीके से। प्लीज़ वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छे से हम टाइट करेंगे लगा के, देखिए हमने 2 वायर में सिलो डाल लिया है, तीसरे वाले में हम सिलो डालेंगे बिल्कुल सही तरीके से लगाएंगे। देखिए हम एक टर्मिनल को टाइट करेंगे, एक वायर को जो ट्रांसफार्मर से निकला हुआ है पतला वायर, उसमें हम एक वायर ज्वाइंट करेंगे, फिर एक दूसरे वाले में ज्वाइंट करेंगे, फिर अब एक किनारे वाले में ज्वाइंट करेंगे अच्छे तरीके से। इस पर हम 3 पर सिलो चढ़ा देंगे, इसको मोड़ के हम सारे को सिलो चढ़ाएंगे एक एक करके। देखिए हमने लगभग चढ़ा दिया है कंप्लीट, अब इसको पीवीसी टेप लगा देंगे 3 वायर में जहाँ पे हमने ज्वाइंट किया है, अच्छे से लगाएंगे। इसमें डीजल न रहने की वजह से स्टार्ट हमने नहीं किया है, स्टार्ट भी करेंगे हम डीजल डाल के, देखिए कब तक स्टार्ट करते। देखिए हमने कनेक्शन इसके कर दिए हैं, देखिए वायर ज्वाइंट कर दिया है, इसको स्टार्ट करेंगे, देखिए करंट आ रहा है सारे फेस में। धन्यवाद।